हम बात करते हैं उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र की। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता नितिन राउत चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से मिलिंद माने और बीएसपी के किशोर गजभिये मैदान में हैं। देखिए हमारे सहयोगी दिनेश बौरिया की उत्तर नागपुर से ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश मौर्या। हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है नागपुर उत्तर विधानसभा सीट पर। यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार नितिन राउत मैदान में हैं। यहाँ पर करीब 3.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं और सबसे बड़ा वोट बैंक है दलितों का। तो आइए हमारी चुनावी यात्रा में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ के नेताओं का कहना, जनता क्या सोचती है और क्या है यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे। तो चलिए हमारे साथ हमारी चुनावी यात्रा पर। उत्तर नागपुर की सीट से बीएसपी भी मैदान में है और बीएसपी ने उतारा है यहाँ से फॉर्मर आईएएस ऑफिसर किशोर गजभिये को। उनसे बात करते हैं। नागपुर की चिलचिलाती धूप में आप पसीना बहा रहे हैं, अब आपको लगता है कि राजनीति की राह आसान होगी अब? मुझे लगता है कि राजनीति की राह आसान तो नहीं है, लेकिन हम अपने मेहनत से उसको आसान बना देंगे। हमारे लिए चुनाव लड़ना एक परिवर्तन की बात है और ये परिवर्तन लाने के लिए हमको चुनाव में हिस्सा लेना बहुत जरूरी हो जाता है। परिवर्तन के साथ साथ हम लोग विकास के मुद्दे पर भी इस चुनाव को लड़ रहे हैं। पिछले 15 सालों में ये जो विकास होना था वो नहीं हुआ, इसी बात को लेकर अब हम लोगों के सामने इस बात को रख रहे हैं कि हम विकास करना चाहते हैं, हम उत्तर नागपुर को एक विकसित क्षेत्र बनाना चाहते हैं। जो लोग परिवर्तन की दिशा में काम नहीं करते हैं वो लोग यहाँ पर काफी दिनों से सत्ता में हैं, तो हम सत्ता में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं और समाज में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, यही हमारी रणनीति है। चलिए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। तो ये हैं बीएसपी के उम्मीदवार जो विश्वास दिखा रहे हैं कि परिवर्तन जनता चाहती है और वो परिवर्तन को ला सकते हैं अगर जनता इन्हें चुनकर देती है तो। बीजेपी के उम्मीदवार भी नागपुर की चिलचिलाती धूप में प्रचार कर रहे हैं। मिलिंद माने से हम खुद बात करते हैं। माने जी, आप चुनाव में उतरे हैं लेकिन आपके सामने नितिन राउत जितना बड़ा नेता है, कैसे पार पाएंगे? 15 साल से वो चुनकर आ रहे हैं लेकिन उत्तर नागपुर का बिल्कुल विकास किया गया नहीं। केंद्र में मोदी साहब की सरकार है और वे अच्छी तरह से काम कर रही है, सिवाय हमारे यहाँ पे माननीय नितिन जी गडकरी जो केंद्रीय मंत्री चुनकर आए हैं, वे इस नागपुर शहर के अंदर में करीबन 18,000 करोड़ के डेवलपमेंट के प्लान ले आए हैं। जनता को अभी पता चला है कि यहाँ की कौन सी सरकार इस नागपुर शहर का विकास कर सकती है, वे फिर क्यों कांग्रेस के उम्मीदवार को चुन के दे। तो ये थे बीजेपी के उम्मीदवार जो विश्वास दिखा रहे कि जनता उन्हें चुन कर देगी, लेकिन अब ये जनता को ही तय करना है कि क्या उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार मिलिंद माने मंजूर हैं या नहीं। चलिए हम कुछ और इलाकों में चलते हैं, बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनके मुद्दे। किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? हम तो इस मुद्दे पर डालेंगे कि ये बहुल क्षेत्र जो है हलवा लोगों का बहुल क्षेत्र है और हलवा लोगों के साथ में अभी तक की जो भी पार्टियां राज कर रही है सत्ता पक्ष, उसने बहुत हमारे साथ में विश्वासघात किया। आरक्षण नहीं मिल रहा हमको, हमारे बच्चों का जीवन खराब हो रहा है। आप किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? हम डालेंगे कि विदर्भ अपना अलग हो जाए, कुछ महाराष्ट्र का सुधार हो। अच्छा, हम सभी की भलाई हो। आप क्या चाहती, क्या बदलाव है यहाँ पर? अब कौन किसी का बांधे हुए है, अपने दिल में आए उसको देना है, सबकी सुनना है, अपने मन में देना है उसको देना है। तो इस बार मुद्दा क्या होगा, क्या किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? मुद्दा यही होगा जो हमारे एरिया का, जो हमारे इलाके का जो विकास करेगा, जो यहाँ के लोगों का समस्या सुनेगा, उसी को मतदान देंगे। अच्छा, उसी को आप मतदान देंगे। भाई साहब, आपका क्या रहेगा, आपका क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो वही है, बात ये कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका ध्यान ही नहीं है ना। पब्लिक से वोट के लिए आते हैं। अभी हमारे आमदार साहब उत्तर नागपुर के नितिन जी राउत रनिंग में कई बार आ रहे हैं लेकिन उनको उत्तर नागपुर की सड़कें दिखती ही नहीं है। अगर उत्तर नागपुर की सड़कों में रोडों पे घूमेंगे वो तो उनको गड्ढे दिखेंगे, यहाँ कितने सारे गड्ढे हैं रोडों पे। चुनाव आ गया है चाचा, बताइए इस बार किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? हमको तो विदर्भ अलग चाहिए,
और दूसरी बात, ये मालकी हक पट्टा हमको सलम एरिया है, मालकी हक पट्टा मिलना चाहिए। आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा ये रहेगा कि हमारे बस्ती का विकास होना चाहिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, रोड सही होना चाहिए, नल होना चाहिए, यानी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए हमारे मोहल्ले के अंदर। जब चुनाव जीतने के बाद कभी नेता दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। बाकी अब हमारे बस्ती में विकास होना चाहिए, हम विकास पर ही मतदान करेंगे। कुल मिलाकर हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हर जगह मतदाताओं की एक प्रमुख मांग है कि विकास हो। अब कौन उम्मीदवार विकास के दावों को लेकर जनता को यकीन दिलाएगा, ये देखना अहम होगा। इन कुल मिलाकर जनता जो है विकास चाहती है। अब हर उम्मीदवार को इसी नाम पर, इसी मुद्दे पर वोट मिलेगा। हमारे साथ नितिन राउत जी है, जिनका ये पर्चा कहता है कि गली गली में एक ही शोर नितिन राउत ही करेंगे विकास चारों ओर। नितिन जी, अब तक आप ही यहाँ से विधायक थे, क्या क्या विकास किया है? विकास की बात अगर करें तो उत्तर नागपुर 1999 तक के, सन 2000 तक के विकास से पूरी तरह से वंचित था। आज जो विकास यहाँ हुआ है, आज हम सर उठाकर कह सकते हैं कि उत्तर नागपुर में विकास हुआ है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैं लेकर आया उत्तर नागपुर में, जिससे उत्तर नागपुर पश्चिम नागपुर से दुगना प्रगति पथ पर जाए, वो प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए मुझे दोबारा चुनकर लोग देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके तहत सभी जाति धर्मों के लोगों को लेकर साथ में काम करते हैं, और मैं समझता हूँ सब लोग मेरे साथ है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे नितिन राउत, जिनका कहना है जनता उनके काम को देखकर वोट देगी। अभी 15 तारीख को पता चलेगा कि क्या जनता इनका साथ देती है या नहीं। हम अपनी चुनावी यात्रा को यहीं खत्म करते हैं, अगली बार मिलेंगे किसी और सीट पर।